हेलो फ्रेंड्स, आइडिया टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों के बाद एक ड्राइंग बनाया हूं और जिससे कि ये ड्राइंग आपको समझ में आएगी क्योंकि बहुत ही इजी स्टेप में मैंने बनाया है। ठीक है, ये जो ड्राइंग है ये सिलेंड्रिकल आइसोमेट्रिक यानी जो सिलेंड्रिकल आइसोमेट्रिक होते हैं आपको किस तरीके से बनाने हैं, क्योंकि मैं अपलोड नहीं कर पाया था, जो वीडियो जो था मैं अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा मोबाइल हो गया था ख़राब। ठीक है, तो मोबाइल जब ख़राब हो गया था तो मैं वीडियो बना ही नहीं पा रहा था। अभी भी मोबाइल कंडीशन ठीक नहीं है। ठीक है, मोबाइल का जो स्क्रीन है वो क्रैक हो गया है और जो कैमरा है, कैमरा आपको दिखाई दे रहा होगा कि ज़्यादा सही नहीं आ रहा होगा, कैमरा भी मेरा ख़राब हो गया है। ठीक है, तो मैं किसी तरीके से ये वीडियो बनाया हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा जब तक मोबाइल सही है, थोड़ा बहुत तब तक आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है, ठीक हो, ये जो आइसोमेट्रिक व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए आपको क्या होगा, सेट स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बिना सेट स्क्वायर का ये जो आइसोमेट्रिक व्यू आप नहीं बना पाओगे। सेट स्क्वायर की आवश्यकता पड़ती है और हमें एक स्केल, इरेजर, कटर्स, इन सभी चीज़ों को आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इस ये जो वीडियो है बहुत ही लंबी हो सकती है क्योंकि मैं जो इसमें समझाया हूँ, जो भी चीज़ समझाया हूँ बहुत ही बारीकी से समझाया हूँ। ठीक है, कि आपको समझ में आए और बहुत ही इजी तरीके से मैं बताया हूँ कि किस तरीके से आपको बनाना है, क्योंकि बहुत लोग बहुत वीडियो इस टाइप का नहीं है, बहुत सारा वीडियो इस टाइप का नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिलेगा जैसे कि आपको आईटीआई करने के बाद डिप्लोमा में या किसी भी चीज़ में आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है और मैं आज इसी को आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से अगर इस टाइप का आइसोमेट्रिक व्यू आपको सीखना है बनाने के लिए तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और इसको बनाने के लिए हमें सेट स्क्वायर की आवश्यकता पड़ती है, कंपास और स्केल, पेंसिल, इरेजर, जो भी टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है हमें वो लेने होते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लाइन ली हुई है और एक लाइन और ली हुई है, जैसे कि हम सेट स्क्वायर को सेट करके हम ये जो 30 डिग्री के कोण पर बने हुए हैं ये हम बनाते हैं। ठीक है, और इसको हम एक्यूरेट बनाकर हमें, चलिए हम आप सभी को बनाकर ही दिखाते हैं, इस तरीके से समझाएंगे तो आपको एक भी ना कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम इसको आप सभी को बना के दिखाते हैं और इसको सीखते रहिए और सीखते सीखते आपको सब कुछ आ जाएगा, बनाते रहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से एक पेज है और सेट स्क्वायर में देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस सेट स्क्वायर से हम क्या करते हैं, एक लाइन को पहले ले लेते हैं, इसको हम सेट कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन कुछ इस तरीके से ले लेते हैं और एक लाइन यहाँ से हम लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइन ले लिए। अब लाइन लेने के बाद हम क्या करते हैं, सेट स्क्वायर को लेते हैं दूसरे और इसको हम सेट करके हम एक 30 डिग्री कोण पर एक लाइन खींच लेते हैं हल्के लाइन से। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हल्के लाइन से खींचा हुआ है और सेम अब इसको हम इस तरीके से घुमा देंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से घुमा देना है और घुमाने के बाद यहाँ पर ये देखिए बहुत हल्के लाइन खींचने हैं कि बस आपको ही पता चले। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे कुछ इस तरीके से, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि 90 डिग्री कोण पर हम बनाएंगे। यहाँ से एक 90 डिग्री कोण पर इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे कि
आपको किस तरीके से बनाने हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक डिस्टेंस ले लेते हैं 5 mm का। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, 5 mm का डिस्टेंस यहाँ से ले लेते हैं, और 5 mm का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बहुत ही ज़रूरी है। डायमेंशन दिए होंगे, अगर सिलेंड्रिकल टाइप के अगर आइसोमेट्रिक आते हैं, 90 डिग्री का है, एक लाइन ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी लाइन दिखाई दे रहा होगा, ये जो लाइन है और ये भी लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो हम सभी को इस तरीके से ले लेते हैं, सभी लाइन को हम 90 डिग्री के कोण पर ले लेते हैं, ठीक है। बहुत इजी तरीके से बताएंगे जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। यहाँ से भी ले लेते हैं और यहाँ से भी ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये है, यहाँ से ये ले लेते हैं और यहाँ से घुमाते हैं, और इसको भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से ये लेते हैं, ठीक है। अब स्केल लेंगे, अब स्केल लेने के बाद हम देखेंगे इसकी हाइट, इसकी विड्थ हो गई। अब हाइट ले लेंगे हम 8 mm, हाइट को हम 8 mm ले लेते हैं यहाँ पर, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 भागों में। यहाँ से भी हम वही प्रक्रिया करेंगे क्योंकि ये हमारा 3 स्टेप में बनेगा ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से लेने के बाद हम सेट स्क्वायर को फिन से हम सेट करते हैं यहाँ से, और ड्राइंग को हम क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, इसको भी हम क्या कहते हैं ले लेते हैं, यहाँ से भी हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम यू टर्न ले लेते हैं इस तरीके से, और इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसको इसको भी हम खींच लेते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ से भी हम ले लेते हैं लाइन को इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये लाइन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। तो मैं बहुत ही इजी तरीके से आप सभी को बता रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर हम एक एक स्टेप करके बनाएंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और हम इसको भी हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, और इसको भी यू टर्न करके हम 3 मंजिला इमारत खड़ी कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से भी हम क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, यहाँ से इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 जो मंजिला है बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसका भी बॉक्स बना देना है, तो इसका भी बॉक्स बना नहीं है 32 मंजिले का, ठीक है। तो इसको भी हम बना दे रहे हैं, यहाँ से इसको भी हम बना दे रहे हैं। आपको इसी तरीके से सारे डायग्राम को बनाने हैं, जितने भी सर्किल आते हैं इस टाइप के। तो आप देख सकते हैं कि एक स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप बना हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम पहले स्टेप में चलते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये जो भी है
हम यहाँ से 5 mm लिए थे इसका जो है 5 mm, तो हम क्या करते हैं 5 mm का आधा कर लेते हैं और यहाँ पर बिंदु लगा लेते हैं। यहाँ से भी हम वही प्रक्रिया को करेंगे और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे दो भागों में। सारे को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हम सारे को सेट स्क्वायर से डायरेक्ट हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से भी हम क्या कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हम एक सेंटर लाइन, हल्की लाइन खींचेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ से भी हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन हल्की लाइन से खींचेंगे जिसको आपको दिखाई दे, ठीक है। तो आपको ये लाइन दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर लाइन खींची हुई है और एक यहाँ पर इसकी सेंटर लाइन, इन दोनों की सेंटर लाइन हम खींचे हुए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि स्केल को लेना है और स्केल को आपको इस पॉइंट को नहीं लेना है, ठीक है, इस पॉइंट को लेना है। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, मैच करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ से भी वही हम प्रक्रिया को करेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इसके बाद और इस पॉइंट को हम मैच करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब सेम प्रोसेस यहाँ से भी हम करेंगे कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट हमें मिला, ये पॉइंट हमें, ये पॉइंट मिला, 1 2 3 4, इन्हीं चारों पॉइंट से हमें एक सर्किल तैयार होगा। जो नीचे का जो ग्राउंड सर्किल है वो हमारा ग्राउंड सर्किल इन्हीं चार पॉइंट से तैयार होगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं डायग्राम पर, देख लेते हैं डायग्राम। आप देख सकते हैं कि ये हमें सर्किल बनाना है, ठीक है। अब हमें ये बनाना है, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड भी बना हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड बना है, यानी 50-50 बना हुआ है, ठीक है। इसका ये 50 बना हुआ है, यानी इन कॉर्नर पर बना हुआ है और इन कॉर्नर पर नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो हमें इस कॉर्नर पर बनाना है, तो इस कॉर्नर पर बनाने के लिए हमें देख सकते हैं इन पॉइंटों को क्रॉस कर रहा है, यानी हमें सिर्फ फ्रंट, यानी ये हमारा जो फ्रंट है हमें फ्रंट पर बनाना है, ठीक है, ना कि साइड व्यू और ना कि इस लेफ्ट हैंड साइड ना राइट हैंड साइड, हमें फ्रंट में बनाना है। ये जो सर्किल है ये हमें फ्रंट में बनाना है। तो फ्रंट में हमें कैसे बनाना है, आज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कंपास लेंगे, ठीक है। तो जो हमने प्रक्रिया बताया था, तो कंपास लेने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस वाले पॉइंट, ठीक है, इस वाले पॉइंट को हमें क्या करना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट को आपको और इस इन दोनों पॉइंट को एकदम मैच करना चाहिए और इन्हीं दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो चलिए मिला देते हैं, इसमें समय लगता है, कंपास के ऊपर निर्भर करता है कि हम सही चलेंगे कि नहीं चलेंगे। ये कंपास हम क्या करेंगे, अब इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये हमने मिला दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट को हमें यहाँ पर रखना है, इस वाले बिंदु पर हमें करना है, ठीक है। तो हम कर दे रहे हैं इस वाले पॉइंट, आप देख सकते हैं कि इस वाले पॉइंट से रखना है और हाफ सर्किल बनाना है, ठीक है, हाफ सर्किल कुछ इस तरीके से, ठीक है, हाफ सर्किल बनाना है। सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी हम वही प्रक्रिया को हम दोहराएंगे, यहाँ पर रखना है और हाफ सर्किल बनाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमें यहाँ तक नहीं ले जाना है, इसको हाफ बनाना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फिगर है
हमें ये जो पॉइंट है ये पॉइंट से ये पॉइंट तक बनाना है, यानी फ्रंट व्यू बनाना है, इसका हमें फ्रंट व्यू बनाना है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंटों को हम मैच करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों पॉइंटों को मैच करते हैं तो हमें ये सर्किल आधा और इसका आधा सर्किल चाहिए, ठीक है। तो हमें आधा ही हमें बनाना है, ठीक है। ये हमारा नीचे का बन के तैयार हो गया। अब हमें कौन सा बनाना है, आप देख सकते हैं कि ये अब नीचे वाला सर्किल हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हमें ये हाफ सर्किल बनाना है, ठीक है, इस साइड का नहीं बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में कोई सर्किल नहीं दिया है, ठीक है, कोई भी सर्किल नहीं दिया हुआ है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। देखिए हाफ सर्किल दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, हाफ सर्किल। तो हाफ सर्किल बनाने के लिए जो आधा सर्किल है उसको बनाने के लिए जिस तरीके से हमने चौकोना बनाया था, ठीक है, सेम प्रोसेस हम ये सेकेंड स्टेप में हम करेंगे, ठीक है। ये जो सेकेंड स्टेप है हम फर्स्ट स्टेप में जो किए थे हम सेकेंड स्टेप में करेंगे, लेकिन जो फ्रंट व्यू था वो हम साइड व्यू, ठीक है। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये बनाना है हाफ सर्किल, ठीक है, तो हम इसको बनाना सीखेंगे। चलिए हम चलते हैं डायग्राम पर। अब हम डायग्राम पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया, तो इसे कुछ करना नहीं है, ठीक है, इसे इसी तरह से छोड़ देना है। अब हम क्या करेंगे कि इसका भी सेंटर हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हम सेट स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, तो सेट स्क्वायर को हम दोबारा से सेट करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी दोबारा से इसको सेट कर लीजिए, और सेट करने के बाद आपको क्या करना होगा कि सेट स्क्वायर को आपको क्या करना है, ये वाला हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से यहाँ तक कर देंगे, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम टर्न कर लेते हैं, और टर्न करने के बाद अब यहाँ पर जो हम डिवाइड किए थे दो भागों में, सेम प्रोसेस हम यहाँ से भी करेंगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 1, 2, 3, 4 यानी ये जो सरफेस है सेकेंड स्टेप में वो चार भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद जो सेम फर्स्ट स्टेप में किए थे हम वही सेम सेकेंड स्टेप में हम करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर एक भी चीज़ छूट गया तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन और ये लाइन हम बना दिए, ठीक है। अब सेम यहाँ से भी हम वही प्रक्रिया को हम करेंगे, इस लाइन को हम यहाँ करेंगे और यहाँ से इस वाले लाइन को हम क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। अब हमें इन चारों पॉइंट से अब हमें क्या बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू यानी हाफ सर्किल बनाना है, ठीक है। तो हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सर्किल बनाना है, ठीक है। तो अब हमें बनाना कैसे है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कंपास, ठीक है। अब हम कंपास लेते हैं, और कंपास लेने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो कटा हुआ है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पर, और इस बिंदु को हम काटेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से और यहाँ तक, देखिए कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक हम ले लेते हैं, ठीक, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हमें क्या बनाना है, ये वाला सर्किल बनाना है, ठीक है। अब हमें ये सर्किल बनाना है, ये सर्किल बन गया, ठीक है। अब हमें यहाँ से नहीं बनाना है, ठीक है, अब हमें यहाँ से इस वाले सर्किल को बनाना है। अब हम क्या करेंगे, कंपास को इस वाले पॉइंट में रखेंगे, देखिए इस वाले पॉइंट में रखेंगे, और हमें क्या करना है कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट को रख के और इस वाले पॉइंट को हम मिला देंगे कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में क्या किया, इस वाले यहाँ पर कंपास को रखा और डिवाइडर को और इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिला दिया, तो ये है हमारा सर्किल तैयार हो गया। अब हम इस वाले पॉइंट से रखें, इस वाले पॉइंट से रखें और इस वाले पॉइंट को हमने
मिला दिया था, ये दूसरी साइकिल बनकर तैयार हो गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप में सर्किल बना, ये सेकेंड स्टेप में हाफ सर्किल बना। ठीक है, ये फ्रंट सर्किल बना है, ये साइड सर्किल बना है। ठीक है, अब हमें बनाना क्या है, अब चलते हैं फिगर पर। तो फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। ठीक है, अब हमें थर्ड स्टेप में अब हमें क्या बनाना है, राइट हैंड साइड में बनाना है। ध्यान से समझिएगा, ये ड्राइंग है। ठीक है, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तब आपको समझ में आएगा किस तरीके से ड्राइंग बनाते हैं सर्किल में। अब हमें राइट हैंड साइड में बनाना है। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में ये हमने बनाकर तैयार हो गया। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, अब हमें राइट हैंड साइड में ये हाफ सर्कल बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड में हाफ सर्कल बनाना है, ठीक उसी साइड में राइट हैंड साइड में बनाना है। चलिए, ये मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बनाना है। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा, तब आपको समझ में आएगा किस तरीके से बनाना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेट स्क्वायर को लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो निकला हुआ है इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, हाँ ओके हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें ऊपर वाला एरिया को सेट करना है। ठीक है, तो हम सेट स्क्वायर को लेते हैं। सेट स्क्वायर को लेने के बाद यहाँ से सेट कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको हम क्या कहते हैं, हाफ में डिवाइड कर देते हैं। देखिए, ये जो हाफ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है, क्योंकि इसी के बेस पर हमारा सर्किल एक्यूरेट बनता है। ठीक है, अगर हल्का सा भी ये गलत होता है तो लाइन ऊपर नीचे हो सकती है सर्किल की। ठीक है, तो ये बहुत ही मायने रखती है, ये बहुत ही हल्के हाथों से हम बनाते हैं। ठीक है, अब हम बनाया ये फ्रंट जो बनाया, ये लेफ्ट हैंड साइड में बनाया, अब हमें ये सर्किल राइट हैंड साइड में, ठीक है, राइट हैंड साइड में बनानी है। ठीक है, अब सेम प्रक्रिया को हम दोहराएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान रखना है कि ये चीज़, अगर सर्किल बनाना है तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हमें ये जो है इसी से बनेगा। आप अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से अब हम इस पॉइंट को काट देंगे तो ये सर्किल नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमें जैसे हमें काटना है सेम आपको भी इसी तरीके से काटना होगा। ठीक है, तो ये हमें कुछ इस तरीके से, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम वही प्रक्रिया को दोहरा देंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट है, तो यहाँ से हम ये किए और इस पॉइंट को हम क्या किए, यहाँ पर कर दिए। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, राइट हैंड साइड में हाफ सर्किल बनाना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये और ये, इन्हीं चार पॉइंटों से हमारा जितनी भी सर्किल बन रही है इन्हीं चार पॉइंटों से बन रही है। ठीक है, अब हमें इस साइड बनाना है, इस साइड नहीं बनाना है। ठीक है, तो क्या करना है अब हमें, कि यहाँ से ये जो आप देख सकते हैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच करेंगे। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पर रखेंगे, और इस पॉइंट पर रखने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैच करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर रखते हैं और यहाँ पर इस तरीके से मैच कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फ्रंट व्यू, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सर्किल बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है कि इन सर्किल को एक तरफ का, ठीक है, इतना तो आप सीख गए। अब हमें क्या करना है कि हमें ये सर्किल फ्रंट बन गया, साइड बन गया, लेफ्ट हैंड साइड का बन गया और राइट हैंड साइड का ये सर्किल बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसको हमें जिस तरीके से दिख रहा है अब हमें इस तरीके से पूरा एडजस्ट करना है, जोड़ना है, तीनों को एक साथ हमें अब जोड़ देना है। प्लस कि ये जो पॉइंट है और स्केल का ये जो पॉइंट है, हम इन दोनों पॉइंटों को एक डार्क लाइन घींच देते हैं कुछ इस तरीके से।
आप देख सकते हैं, और ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देंगे कुछ इस तरीके से, और इन दोनों पॉइंटों को हम क्या करेंगे यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हाफ बनाना था, तो इन ये पॉइंट और ये पॉइंट हम क्या करेंगे मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हाफ है ये हाफ सर्किल पर ही बनेगा। तो यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं कि आपको समझ में आया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस साइड नहीं बना है, ये फ्रंट में बना है, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर देते हैं जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है, आपको कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही साफ सुथरा से मैंने बनाया है, एक एक चीज़ समझ में आ रहा है कि कौन चीज़ कैसे बना हुआ है, मतलब एक एक चीज़। वीडियो जाहिर सी बात है लंबी होगी, क्योंकि ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, कोई आम ड्राइंग नहीं है, ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, जो कि हाफ सर्किल बनाना सीखना है तो आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। अगर हम कोई भी पढ़ाएगा तो आधा घंटा 45 मिनट समझाने में ही लेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हाफ सर्कल बन गया, ये हाफ सर्कल बन गया, ये हाफ सर्कल बन गया। अब इसका हमें डायमेंशन देना है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन हम क्या देंगे, ये जो हाफ, ये जो पूरी डाया है, ठीक है, वो कितने का है, 50 mm, यानी 25 इधर 25 इधर, ठीक है। ये जो हाफ डाया है ये 25 है, और ये हाफ डाया है ये 25 है, ठीक है। तो इसका ये रेडियस हाफ रेडियस है, ये हाफ रेडियस है, ये पूरा डाया है, यानी इसकी पूरी रेडियस है, और इसकी कुल लेंथ कितनी हमारी है, 8 mm। यानी हम इसका क्या करते हैं, इसका हम डायमेंशंस भी दे सकते हैं, यानी 4 mm की दूरी पर ये बना है और 4 mm की दूरी पर ये बना है, यानी 40 mm ये, 40 mm ये, और ये 50 mm और ये 50 mm। तो हम इसका डायमेंशंस भी हम दे सकते हैं यहाँ से, और इसका डाया भी हम दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर है, ठीक है। तो आपको अगर इस टाइप का ड्राइंग बनानी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह बहुत ही ड्राइंग आप सभी को बताऊंगा, बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपको समझ में आए। तो ये जो ड्राइंग थी किसी एक ने हमें सेंड किया था बनाने के लिए, कि हम सर ये हमें बता दीजिए कि किस तरीके से हमें ये सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत दिनों के बाद ये ड्राइंग बनाया है, क्योंकि ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक हमें कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक आप देते हैं तो हमें मोटिवेशंस मिलता है। अगर लाइक उक नहीं मिलता है तो थोड़ा सा डीमोटिवेट होते हैं, और हमें भी नहीं पता चलता है कि किसको मेरा ड्राइंग पसंद आता है, किसी को सीखने को मिलता है, ठीक है। हमें कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं। अगर कोई भी ड्राइंग नहीं समझ में आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में, या जो व्हाट्सएप नंबर का मैंने लिंक दिया हुआ है वहाँ पर हमें अपना ड्राइंग भेज सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह और भी वीडियो अपडेट देता रहूँगा।